नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अधिकारियों ने की बैठक। पटना जू को देश में पहले स्थान पर लाने के लिए 5 साल का मास्टर प्लान तैयार। पिछले लोकसभा चुनाव से 10 गुना अधिक इस चुनाव में जब्त हुए सामान। राज्य में पर्यटक विकास की सुविधाओं को लेकर पर्यटन मंत्री ने की समीक्षा। आज के भारत पाकिस्तान मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर सभी की होगी नजर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अधिकारियों ने की बैठक। राज्य के निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए परीक्षा 25 जून को होनी है, जिसके लिए इस बार सबसे अधिक आवेदन आए हैं। इस साल 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, जिसमें सबसे अधिक आवेदन पटना से आए हैं। इस साल परीक्षा कराने की जिम्मेवारी ललित नारायण मिथिला विवि दरभंगा को सौंपी गई है, तो वहीं परीक्षा के सफल संचालन करने के लिए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में विवि अधिकारियों ने 14 विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारी और विश्वविद्यालय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। राज्य नोडल पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के अलावा इस वर्ष लिपकीय कार्य के लिए नोडल विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक तथा सभी केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक के साथ एक सहायक सभी सहभागी विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। इसके अलावा सभी संबंधित पदाधिकारियों से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई में राज्य नोडल पदाधिकारी सहायक कृष्ण मुरारी अथवा दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से 10 गुना अधिक हुए इस चुनाव में जब्त सामान। लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल से लेकर कई एजेंसियां पूरी शक्ति के साथ तैनात थी। चुनाव के दौरान इन सभी ने 213 करोड़ 45 लाख रुपए के सामान बरामद किए हैं, जो बीते लोकसभा से करीब 10 गुना से भी अधिक बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 15 करोड़ रुपए के सामान एजेंसी द्वारा बरामद किए गए थे। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में सिर्फ पुलिस टीम ने 87 करोड़ 36 लाख की सामग्री बरामद की है, जिसमें 8 लाख लीटर शराब, 5 लाख से अधिक मादक पदार्थ, 35 किलो बहुमूल्य धातु जब्त किए गए हैं, साथ ही 35 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। पटना जू को देश में पहले स्थान पर लाने के लिए 5 साल का मास्टर प्लान तैयार। 10 साल पहले तक राजधानी पटना के चिड़ियाघर में टॉय ट्रेन चलती थी, जिसे बच्चे और बूढ़े सभी जीव जंतुओं को देखना पसंद करते थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों से यह टॉय ट्रेन का परिचालन बंद है, जिसे लेकर बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ी घोषणा की है। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि पटना जू में फिर से टॉय ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है और इसका प्रपोजल भी तैयार किया जा चुका है। शनिवार को जब वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार पटना जू का निरीक्षण करने पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि पटना जू को देश में पहले स्थान पर लाने के लिए पटना जू के डेवलपमेंट के लिए 5 साल का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसके तहत जू में कई सुधार और नए निर्माण कार्य किए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में पटना जू देश में 4th स्थान पर है। इस मास्टर प्लान में टॉय ट्रेन के अलावा अन्य कई आकर्षण भी शामिल किए जाएंगे, जिससे यह पर्यटकों के लिए और भी रोचक और शिक्षाप्रद बन सके। दरभंगा घराने के पद्मश्री पंडित राम कुमार मलिक का निधन शनिवार की रात को हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक पंडित राम मलिक का निधन हृदय की गति से रुक जाने के कारण हुआ है। अपने अंतिम समय में राम कुमार मलिक अपने पैतृक गांव आमता में थे। ये प्रसिद्ध गायक पंडित विदुर मलिक के शिष्य और बेटे थे। इन्होंने अपनी गायकी से देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई थी। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए कई सम्मानों से अलंकृत भी किया गया था। अभी हाल ही में 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राज्य में पर्यटक विकास की सुविधाओं को लेकर पर्यटन मंत्री ने की समीक्षा। राज्य में पर्यटक विकास की सुविधाओं को लेकर पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पर्यटक सुविधाओं का विकास होगा, पुराने होटल का जीर्णोद्धार होगा, जरूरत पड़ने पर नए होटल भी बनाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री ने विभाग की योजना और कार्यक्रम की पर्यटन निदेशालय सभागार में विस्तृत समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान मंत्री ने कहा कि बिहार अपने समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, विरासतों और सभी धर्म के पवित्र स्थलों के केंद्र के रूप में पर्यटन मानचित्र पर पहचान बना चुका है। पर्यटकों को परिभ्रमण में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, उनकी संख्या लगातार बढ़ती रहे, इसके लिए विभाग प्रग प्रयत्नशील है। डॉक्टरों से करोड़ों की ठगी करने वाला फर्जी डॉक्टर राजधानी पटना से गिरफ्तार।
लोगों को अपने ठगी का शिकार बनाने वाला फर्जी डॉक्टर को राजधानी पटना से गिरफ्तार किया गया है। दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाने वाला फर्जी डॉक्टर कई दिनों से फरार चल रहा था। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के मछुआ टोली इलाके से बासकोठी का रहने वाला एलबी सिंह अपने लग्जरी कार में सचिव का बोर्ड लगाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। इसके साथ ही फर्जी डॉक्टर एलबी सिंह पटना के कई डॉक्टरों को हॉस्पिटल खुलवाने और पार्टनर बनाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर लंबे समय से फरार चल रहा था। इसकी ठगी का शिकार हो चुके पीड़ित डेंटल डॉक्टर आशीष सहाय के अनुसार फर्जी डॉक्टर एलबी सिंह ने बैरिया बस स्टैंड के पास हॉस्पिटल बनवाने के नाम पर बीते वर्ष 2023 में 13 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसका मामला उन्होंने कदमकुआं थाना में दर्ज करवाया था। वहीं इसके अलावा पीड़ित डॉक्टर आशीष की समाज सेवी बहन नम्रता आनंद को भी इसी तरह का झांसा देकर एलबी सिंह ने उनसे भी 18 लाख की ठगी को अंजाम दिया था। वहीं अब कई दिनों से फरार चल रहे फर्जी डॉक्टर एलबी सिंह को कदमकुआं थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उधर गिरफ्तारी की खबर मिलते ही आधा दर्जन पीड़ित कदमकुआं थाना पहुंचकर अपने गबन रुपए को पाने की गुहार लगाने लगे। फिलहाल मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। चुनावी माहौल में सोशल मीडिया की 85% टिप्पणियां सांप्रदायिक। सोशल मीडिया पर लोकसभा चुनाव 2024 में सांप्रदायिक टिप्पणियों की बाढ़ रही। ढाई महीने से अधिक समय तक चले चुनाव के दौरान बिहार पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेल को 184 शिकायतें मिली, जिनमें 85% मामलों में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले कंटेंट पाए गए, तो वहीं शेष 15% मामले अभद्र भाषा, फेक आईडी तथा जातिगत टिप्पणियों से जुड़े मामले रहे। मिली सभी शिकायतों की जांच के बाद पुलिस मुख्यालय ने 24 मामलों में FIR दर्ज किए हैं, जबकि 4 मामलों में IT एक्ट की धारा 69A के तहत कार्यवाही की गई। बता दें कि ये एक्ट केंद्र और राज्य सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, वेब होस्टिंग सर्विसेज, सर्च इंजन ऑनलाइन मार्केट प्लेस को कोई भी कंटेंट ब्लॉक करने की अनुमति देने का अधिकार देता है। इस दिन समस्तीपुर में लग रहा रोजगार मेला। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल समस्तीपुर जिला नियोजनालय कार्यालय में 10 जून को जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। यह जॉब कैंप सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक रहने वाला है। इसकी जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी सुमित कुमार ने दी है। इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र के कंपनी सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड लोन ऑफिसर के पद के लिए चयन करेगी। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। यदि आप जॉब कैंप को शामिल होना चाह रहे हैं तो NCS के आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। इस दौरान जरूरी है कि आप अपने साथ जरूरी दस्तावेज भी ले जाएं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप जिला नियोजनालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बिहार रेरा पीड़ित घर खरीदारों के लिए चला रहा यह अभियान। बिहार रेरा ने बड़ी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के तहत बिल्डरों की जमीन नीलाम करके उसकी राशि पीड़ित परिवार को दे दी गई। इसके अलावा अग्रणी होम्स की धावलपुरा की 27 कट्ठा जमीन नीलाम होगी और नीलाम किए गए जमीन के पैसे पीड़ित घर खरीदारों के बीच बांट दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रेरा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पीड़ित घर खरीदारों के पैसे को वापस किए जा रहे हैं। वहीं इस अभियान में बिहार रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह भी लगे हुए हैं। उन्होंने कई स्टेक होल्डर्स के साथ राशि वापसी अभियान की समीक्षा की है। बिहार के इन जिलों में बारिश की है संभावना। भीषण गर्मी के बीच अब सभी को मॉनसून का इंतजार है। अब इसी इंतजार के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। दरअसल यह चेतावनी उत्तर बिहार के कुछ जिलों के लिए है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों को अभी भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दरअसल पछुआ हवा से मध्य और दक्षिण बिहार के पारा को बढ़ा दिया है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण आर्द्रता पूर्वी भाग में नमी बढ़ रही है। जिन जिलों में बारिश और आंधी की संभावना है उसमें सहरसा, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया शामिल है। चौथी शादी के चक्कर में तीसरी पत्नी को मारने का मामला आया सामने। अभी हाल ही में समस्तीपुर के दलसिंह सराय शहर के काली स्थान वार्ड संख्या 5 में एक नवविवाहिता के खुदकुशी का मामला सामने आया था। मृतका का नाम मौसम कुमारी था, जो विकास कुमार की पत्नी थी।
मामले की जानकारी सामने आते ही मृतिका के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी। जांच के दौरान पुलिस ने पति विकास कुमार को हिरासत में ले लिया है, वो अन्य कार्रवाई के लिए जांच में जुट गई है। मामले की जानकारी सामने आते ही मृतिका के ससुराल वाले फरार हो गए थे। पूछताछ में वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि विकास इससे पहले भी दो शादी कर चुका था। पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में बिहार बीजेपी से कौन कौन आमंत्रित? आज शाम लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद के साथ शपथ ले सकते हैं, जिसमें लगभग 60 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है, तो वहीं सबसे ज्यादा जगह बिहार को मिल सकती है। आज शाम 5 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पार्टी द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों को मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा की ओर से पत्र जारी कर पार्टी की ओर से आमंत्रण पत्र दिया गया। मीसा भारती ने कहा, नीतीश इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी मांग होनी चाहिए पूरी। पाटलिपुत्र से नव निर्वाचित सांसद मीसा भारती ने लैंड फॉर जॉब मामले में कहा कि ये मामला पुराना है, देखिए वो लोग क्या करते हैं। वहीं जदयू की तरफ से केसी त्यागी के बयान कि सीएम नीतीश को पीएम पद के लिए इंडिया गठबंधन में ऑफर मिला था, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो उन्हीं से पूछिए कि किस नेता ने ऑफर दिया था। आगे मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार की जो मांग रही है और डबल इंजन की सरकार है, आज तक प्रधानमंत्री ने यह मांग पूरी नहीं की। अच्छा मौका है, प्रधानमंत्री को बिहार की मांग पूरी करनी चाहिए। नीतीश को पीएम पद की ऑफर के बाद से कांग्रेस के इनकार पर केसी त्यागी ने किया पलटवार। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर एनडी गठबंधन की ओर से दिया गया था, ये दावा जेडीयू नेता केसी त्यागी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस ने इस बात से इनकार किया तो केसी त्यागी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके फोन में एक एक नाम और बातचीत सब कैद है। केसी त्यागी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन के नेताओं का राजनीतिक दिवालियापन दर्शाता है कि जिस व्यक्ति को वो संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजे आने के बाद इनके द्वारा उन्हें पीएम पद का ऑफर दिया गया। गांधी परिवार की ओर से फोन आने के सवाल पर केसी त्यागी ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कांग्रेस के जो उच्च पदाधिकारी थे उनका भी था और जो सहयोगी पार्टियां थी उनका भी था, मैं उसकी गोपनीयता समाप्त नहीं करूंगा, ये पॉलिटिकल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आज के भारत पाकिस्तान मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर सभी की होगी नजर। आज T20 विश्व कप 2024 का मुकाबला पाकिस्तान और भारत के बीच देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि 2007 में दोनों ही टीमों के बीच T20 विश्व कप का पहला मुकाबला देखने को मिला था। 2007 में मैच के दौरान मैच टाई हुआ था और दोनों टीमों के बीच ही बॉल आउट हुआ था। बॉल आउट जीतकर भारत ने 2 पॉइंट हासिल किए थे। इसके बाद साल 2022 में T20 विश्व कप मैच में आखिरी गेंद पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया था। उस मैच में विराट कोहली की शानदार पारी देखने को मिली थी। आज के मैच में भी दोनों टीमों के बीच मुकाबले के दौरान सभी की नजरें विराट कोहली पर रहने वाली है। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को बाबर आजम से काफी उम्मीदें हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर से भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, विनोद महात्मा, राजकिशोर महतो, ओम प्रकाश कुमार, संजीव कुमार, सादुल्लाह पालवी, नौसाद रजा, सुरभि सुमन, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, नंद कुमार सिंह, गोनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अनवर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।